दोस्तों आज का इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा YouTube चैनल का सब्सक्राइबर्स को कैसे हाइड किया जाता है, हाइड करने से क्या फायदा होता है वो भी इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि ये फेस कैम वीडियो नहीं है, इसलिए मैं आप सभी को सॉरी बोलता हूँ। दोस्तों आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं फेस कैम वीडियो बनाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इसी तरह का यूट्यूब रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल में अपलोड किया जाता है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला पॉइंट आता है सब्सक्राइबर को क्यों हाइड किया जाता है। देखिए आप एक नया नया चैनल क्रिएट किया है तो आपका पास ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं होता है, वो टाइम पे आपका वीडियो जो भी व्यूअर देखेगा वो सोचेगा इस यूट्यूबर का अंदर कुछ भी टैलेंट नहीं है, इसीलिए इसका ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है और वो आपका चैनल को सब्सक्राइब नहीं करता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है न्यू चैनल के लिए सब्सक्राइबर को हाइड करना। चलिए दोस्तों सब्सक्राइबर्स को कैसे हाइड किया जाता है मैं अपने एंड्रॉइड मोबाइल में आपको दिखाऊंगा। दिखाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का यूट्यूब रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल में अपलोड किया जाता है। दोस्तों सब्सक्राइबर को हाइड करने के लिए गूगल क्रोम को ओपन कीजिए। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद यहाँ से सर्च कीजिए youtube.com लिख के सर्च कर दीजिए। youtube.com सर्च करने के बाद YouTube का होम पेज आपको शो करेगा। यहाँ से आप लोग 3 डॉट का ऊपर क्लिक करके इसको डेस्कटॉप साइट कर लीजिए। मैं डेस्कटॉप साइट कर लेता हूँ। डेस्कटॉप साइट करने के बाद इसका होम पेज आपको ऐसा शो करेगा। मैं यहाँ से थोड़ा जूम कर लेता हूँ। आप लोग देख सकते हो आपका चैनल का जो लोगो शो कर रहा है इस लोगो का ऊपर क्लिक कीजिए। लोगो का ऊपर क्लिक करने के बाद इस प्रकार इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा YouTube स्टूडियो। इस YouTube स्टूडियो का ऊपर क्लिक कीजिए। YouTube स्टूडियो का ऊपर क्लिक करने के बाद आपका चैनल का डैशबोर्ड आपको शो करेगा। यह सब आपको सब्सक्राइबर को कैसा हाइड करना है देखिए। यह सब आपको नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा सेटिंग का। इस सेटिंग का ऊपर क्लिक कीजिए। जैसा सेटिंग का ऊपर क्लिक करोगे आपका एक नया पेज शो करेगा। मैं थोड़ा यहाँ से जूम कर देता हूँ। आप लोग यहाँ से देख सकते हो एक ऑप्शन शो कर रहा है चैनल। इस चैनल का ऊपर क्लिक कीजिए। जैसा चैनल का ऊपर आप लोग क्लिक करोगे एक नया इंटरफेस शो करेगा। यह सब आपको बीच में एक ऑप्शन मिल जाएगा एडवांस सेटिंग। इस एडवांस सेटिंग का ऊपर क्लिक कीजिए। एडवांस सेटिंग का ऊपर क्लिक करने के बाद यह सब आप लोग ऊपर को स्लाइड कीजिए। ऊपर को स्लाइड करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सब्सक्राइबर काउंट। यह सब आप लोग सब्सक्राइबर को हाइड कर पाओगे। कैसा करना है देखिए। यह सब जो ऑप्शन शो कर रहा है सब्सक्राइबर काउंट, इसका नीचे टिक हुआ एक बॉक्स शो करेगा। इस बॉक्स का ऊपर क्लिक करके इसको अनटिक कर दीजिए। जैसा आप लोग इस बॉक्स का ऊपर क्लिक करके इसको अनटिक कर दोगे, इसके बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन मिल जाएगा सेव। इस सेव का ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसा सेव का ऊपर आप लोग क्लिक करोगे आपका चैनल का सब्सक्राइबर हाइड हो जाएगा। जो भी व्यूअर आपका वीडियो को वॉच करेगा वो आपका सब्सक्राइबर को नहीं देख पाएगा। दोस्तों बस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह का यूट्यूब रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल में अपलोड किया जाता है। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे एक नया वीडियो में।